दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको एक बात पहले कह देता हूँ कि हम बना रहे हैं रसगुल्ले 1 लीटर नहीं बल्कि पूरे 50 लीटर का, और इसमें लगने वाला जो दूध होता है रसगुल्ले के लिए गाय का दूध होता है, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क नहीं यूज़ करना है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारी जानकारी दी है और बड़े हलवे की दुकान पर जाकर हमने सीखा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बड़ी सी कढ़ाई रख दी है एक स्पेशल भट्टी के ऊपर, इसमें हमने ऐड कर दिया है भाई साहब ने 50 लीटर दूध। यहाँ पर 50-50 लीटर के दो बार रसगुल्ले तैयार होते हैं। ये बड़ी सी कढ़ाई 50 लीटर की है। हम आपको पहला फर्स्ट भाग दिखा रहे हैं, घासी रसगुल्ला भंडार, ताज़े रसगुल्ले यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो रसगुल्ले दोस्तों यहाँ पर डेली बनाते हैं हर रोज़ शाम को। तो बड़ी सी कढ़ाई में ले लिया है 50 लीटर दूध। ये दुकान है दोस्तों रोहट तहसील में और जोधपुर से 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर दूध बढ़िया गर्म आ चुका है। रसगुल्लों को बनाने की परफेक्ट विधि है, इसे आप ज़रूर देखिए, पूरा बहुत ही मज़ा आने वाला है। और आज हमने अंकल जी से सीखने आए हैं और आप लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं। दूध यहाँ पर बढ़िया गर्म आ गया है, भाप निकलने लग गई। इस दूध को ले लेते हैं आप दूसरे बर्तन में और इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद इसका छेना तैयार करेंगे। तो ये पीतल के बर्तन में ले लिया है दूध को और आधा करते हैं, ताकि बड़ी सी कढ़ाई है ना तो एक ही बार में पूरी कढ़ाई को उठाना होता नहीं, तो थोड़ा दूध को हम आधा कर लेते हैं। तो अब इस दूध को हमें दोस्तों इसका छेना तैयार करना है। तो यहाँ पर हम लाए इसको दूसरी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। दूध को अलग अलग कर दिया है दो भाग में और अब हम इसके अंदर दोस्तों खुरपी से इसको चलाते हुए पहले इसको हल्का सा दूध को ठंडा करेंगे, इसकी भाप निकालनी है, क्योंकि इस एकदम गरम गरम दूध के अंदर खट्टा पानी डालेंगे तो ये ज़्यादा कड़क हो जाएगा छेने को। तो दूध हल्का सा ठंडा हो गया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोस्तों खट्टा पानी। खट्टा पानी जो होता है दोस्तों छेना तैयार करने के लिए ये लोग तैयार करते हैं। तो ये जो है प्योर खट्टा पानी नहीं डालते, उसके अंदर ठंडा पानी मिक्स करके हुए इसे मिलाते हैं, तो छेना एकदम स्मूथ बनेगा और ज़्यादा कड़क नहीं होगा। और अंकल जी को 50 साल का तजुर्बा है रसगुल्ले बनाने का और इनसे ही हम ये जानने आए हैं आज रसगुल्ले की पूरी विधि। तो इस तरह से अंकल जी छेना तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ये खट्टा पानी मिलाते हैं और इसको हल्के हाथों से, डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डालते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी दूसरे अलग नॉर्मल पानी में मिक्स करके। तो इस तरह से पूरा छेना जो है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, खट्टा पानी डालने के बाद छेना अलग हो गया और पानी अलग हो गया। देखिए सास ने निशान, दूध बढ़िया तरीके से फट गया है। अब इसको वापस ये लोग बाहर निकालेंगे और खट्टे पानी को अलग कर देंगे। देख सकते हैं बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक बर्तन के ऊपर कॉटन का कपड़ा लिया है, बड़ी साइज का कॉटन का कपड़ा, क्योंकि 50 लीटर दूध है तो इसके लिए बड़ी साइज़ का कपड़ा चाहिए, क्योंकि पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा है। अब इस खट्टे पानी को ये निकाल लेते हैं। देखिए खट्टा पानी पूरा निकाल दिया है और अब ये छेना, इस छेने के अंदर वापस नॉर्मल पानी ऐड करते हैं ताकि इसके अंदर खट्टापन नहीं रहेगा और रसगुल्ले मीठे अच्छे बनेंगे। तो ये नॉर्मल ठंडा पानी डाल दिया है जिससे छेना एकदम स्मूथ भी बनेगा। इसको देखिए हाथों से एकदम अच्छी तरह से स्मूथ कर रहे हैं, गुठलियाँ नहीं रहे, ये देखिए। और थोड़ा पानी डाल दिया इसमें नॉर्मल और इस पानी को भी ये पूरा वापस निकाल देंगे। इस छेने को दोस्तों ये वापस कपड़े के अंदर ले रहे हैं, कॉटन वाले कपड़े में, ये देखिए। ये बड़ा कपड़ा इनका और प्रतिदिन ये कार्य इनका होता है, हर रोज़ 50 से 100 लीटर दूध के रसगुल्ले बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है छेना एकदम अच्छी तरह से कपड़े में ले लिया है और इस कपड़े को ये लोग गांठ बांधकर
कहीं ऊपर टांग देंगे, फिर इसके अंदर का इतना भी एक्स्ट्रा पानी है पूरा निकाल देंगे। अभी तो ये पूरा साफ कर रहे हैं, खट्टा पानी पूरा निकाल रहे हैं। अब इसको एक गांठ बांध देते हैं दोस्तों। इनका रोजी का रोज़ का ये काम है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये करते हैं और एकदम हाइजीन के साथ साफ सफाई पूरी रहती है अच्छी तरह से। और दोस्तों रसगुल्ले बनाने के लिए जो दूध होता है वो गाय का दूध होता है, ना कि भैंस का। प्योर गाय का दूध ही होता है, दूसरे किसी भी मिक्स दूध से रसगुल्ले सही नहीं बनते। तो भाई साहब ने पोल्ट्री को यहाँ पर पूरा तांग दिया है ऊपर और अब ये यहाँ पर बैठकर बढ़िया तरीके से इसका पूरा पानी निकाल देंगे और एकदम छेने को पूरा स्मूथ करके ले लेंगे। राजस्थान में भी रसगुल्ले बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं और यहाँ की भी ये एक फेमस मिठाई है। और ये भाई साहब यहाँ पर जो क्वांटिटी में बना रहे हैं ये इनका रेगुलर काम है। और यहीं पर दोस्तों साथ ही में शक्कर यानी कि रसगुल्लों को पकाने के लिए चाशनी तैयार करके ले लेते हैं। तो बड़ी सी कढ़ाई के अंदर इन्होंने 50 किलो शक्कर ऐड कर दी है और 50 किलो शक्कर के लिए 25 लीटर पानी लिया है। चाशनी जो है तो ये दोस्तों वो एक तार की नहीं, बिल्कुल भी पतली होती हैं, आधे तार से भी पतली होती हैं, किसी भी प्रकार का तार नहीं बनता चाशनी में। और यहीं पर अब दोस्तों जो छेना है इसको एकदम बढ़िया कढ़ाई के अंदर लेके इसको हाथों से अच्छा मालिश कर लेते हैं ताकि रसगुल्ले अच्छे स्पॉन्जी बनेंगे। 15 मिनट तक इस छेने की अच्छे से मालिश करनी पड़ती है, अच्छी तरह से इसको हमें हाथों से पूरा गूंद गूंद कर लेना पड़ता है, तभी जाके ये अच्छे रसगुल्ले बनने के लिए छेना तैयार होता है। छेने को तैयार करने के लिए दूध में कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ दूध को गर्म किया, वापस ठंडा किया, खट्टा पानी डालकर इसके अभी इसकी मालिश कर रहे हैं। इसमें कोई भी मैदा, कुछ भी सोडा, किसी भी प्रकार का कोई सोडा वगैरह ऐड नहीं किया है। और ये है दोस्तों परफेक्ट विधि, आप किसी भी हलवाई की दुकान पर जाकर देखोगे तो ऐसे ही बनाया जाता है। और अंकल जी ने हमको पूरी विधि बताई और बहुत अच्छा लगा। शक्कर यहाँ पर दोस्तों देखिए अच्छी तरह से घुल गई, चाशनी तैयार। अब दोस्तों शक्कर में होता क्या रहता है, मैल ज़्यादा रहता है, बहुत ही मैल होता है। तो इस मैल को कैसे निकालना है इसको साफ करने के लिए भाई साहब ने दूध ऐड किया इसके अंदर। और जैसे ही दूध ऐड किया आप देख सकते हैं पूरा कचरा ऊपर आ चुका है, ये देखिए। अब इसको पूरा निकाल देते हैं जारी से, पूरा कचरे को निकाल कर एकदम बढ़िया वाइट चाशनी बनाकर ले लेते हैं। रसगुल्लों को बनाने के लिए चाशनी एकदम साफ होनी चाहिए, एकदम साफ। तो आप दूध ऐड करें इसमें, चाशनी एकदम चाप हो जाती है, पूरा कचरा निकल जाता है मेन। तो ये हमारी दोस्तों यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है 50 किलो शक्कर की। और यहीं पर अब हम जो छेना इसको लिया है सब मालिश करके इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़कर, यहाँ पर देख सकते हैं छोटी छोटी लोइयां तोड़कर इसके रसगुल्ले की लोइयां गोलियां बना देते हैं, तैयार करते थे यहाँ पर। और एक जैसी साइज़ की है, इनका रोज़ का हैबिट है तो एक ही जैसी साइज़ की लोइयां निकलती इनकी। तो ये भाई साहब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और भाई साहब का धन्यवाद करें, इन्होंने हमें पूरी विधि समझाई और हमने पूरा वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये विधि पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से पूरा जो छेने के रसगुल्ले इन्होंने बना दिए हैं, ये साइज़ की ये देख सकते हैं यहाँ पर लोई है। अब चलते हैं दोस्तों चाशनी के ऊपर और चाशनी जो है हमने ली है 50 किलो शक्कर की, उसको आधा करते हैं यानी कि 25 किलो तो रखेंगे हम कढ़ाई में ही और 25 किलो चाशनी को ले लेते हैं दूसरे बर्तन में, क्योंकि जैसे ही दोस्तों 25 किलो चाशनी को अलग करेंगे ना तो आधी कढ़ाई हो जाएगी और आधी कढ़ाई होने पर इसमें रसगुल्ले डालेंगे ना तो फिर अच्छे से वो पकेंगे।
और रसगुल्ले पकने के बाद वापस हम जो निकाली हुई चाशनी निकाल रहे हैं इसमें डाल देंगे ना, तो रसगुल्ले अच्छी तरह से स्पॉन्जी और एकदम फुले फुले बनेंगे। हाँ, और दोस्तों रसगुल्लों को पकने के लिए इसके ऊपर झाग आने के लिए ये लोग रीठे का पानी यूज़ करते हैं। रीठा जो होता है एक फल होता है जो किराना दुकान पे आपको मिल जाता है। ये देखिए इस बर्तन में अरीठे का पानी है। अरीठे को उबाल कर इसका गर्म पानी लेते हैं और इसको क्या करते हैं कि चाशनी के ऊपर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर झाग बने रहे। और ये चाशनी देख सकते हैं एकदम पतली चाशनी है, यहाँ पर एकदम पतली, इसमें कोई भी प्रकार का तार नहीं है। ये देखिए ये अरीठे का पानी इसमें डाल दिया है। अरीठे का पानी डालने से झाग आते हैं और ये रसगुल्ले भी यहाँ पर भाई साहब ने डाल दिए हैं। एक बार में एक बड़ी सी प्लेट भरकर रसगुल्लों की लोइयाँ गोलियाँ इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो भट्टी है उसकी जो आँच होती है वो फास्ट होती है, एकदम फास्ट। आप देखिए फास्ट होने से जो रसगुल्ले हैं ना दोस्तों वो अच्छी तरह से फूलते हैं, अच्छी तरह से पकेंगे और फिर इसके अंदर अच्छी जाली बनेगी। और इसको पकने का जो समय है दोस्तों मिनिमम 15 से 20 मिनट का समय लगता है बड़ी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं। अगर आप कम बनाते हैं तो 10 मिनट तो वैसे भी लग जाता है धीमी आंच पर। तो यहाँ पर 15 मिनट तक कंटिन्यू रसगुल्लों को फास्ट गर्म आँच पर इसको पकाने से रसगुल्ले अच्छी तरह से पक जाएंगे और ये झाग आते हैं, तो झाग आने से रसगुल्ले ऊपर और अंदर से अच्छे से पक जाते हैं। रोहट में अगर आप आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर बस स्टॉप के अंदर दुकान है घासी रसगुल्ला भंडार और ये लोग होलसेल भी करते हैं। तो इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हैं मैं इनका एड्रेस है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि अगर आप मिठाई वाले हो और आपको रसगुल्ले मंगवाने हैं तो इन भाई साहब को फ़ोन करके आप मंगवा सकते हैं। ये आपको हर जगह भिजवा देंगे, मुंबई बेंगलोर कहीं भी बोलो आप। तो यहाँ पर रसगुल्ले बढ़िया तरीके से दोस्तों पक गए हैं, ये देख सकते हैं झाग अच्छे से आ रहे हैं और भाई साहब ने बीच बीच में इसको छलाते हुए पकाया है। तो अब इनको निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पर आधे से आधे हमने पहले ही बाहर निकाल दिए हैं और अभी और निकालेंगे बाहर तो आपको दिखाते हैं। रसगुल्ले देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी साइज में और बहुत ही जालीदार बने हैं। और इसके अंदर दोस्तों जो चाशनी है ना फिर पूछो ही मत, इतनी बढ़िया तरीके से दोस्तों मज़ा आता है खाने का। तो अंकल जी यहाँ पर रसगुल्लों को देख सकते हैं कढ़ाई में से वापस दूसरे वाले चाशनी में ये ऐड कर रहे हैं जिसको हमने पहले आधा किया था चाशनी को, ये देखिए। तो इस तरह से रोहट के घासी रसगुल्ला भंडार के रसगुल्ले बनकर तैयार। आपको एक पीस दिखाते हैं, इतना स्पॉन्जी बना है और इसमें दोस्तों जो चाशनी आती है ना काफ़ी अमेजिंग है। देखिए तो भाई साहब देखिए जैसे ही हल्का सा दबाया है ना चाशनी की धार बन गई नीचे। तो ऐसे बनते हैं दोस्तों हमारे राजस्थान में रोहट क्षेत्र के घासी रसगुल्ला भंडार में रसगुल्ले। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लोगों की सपोर्ट हमारे बहुत काम आती हैं। अच्छा कमेंट करें, ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।